Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very, very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है. सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. वॉरियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है Imbibe के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना. तो जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए Imbibe की एप्लीकेशन. वहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग. हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी वहाँ सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी SSC, डिफेंस, UPSC, बैंकिंग, टीचिंग, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस, फ्री वीडियो लेक्चर्स, बुक्स उस एग्जाम रिलेटेड और मॉक टेस्ट उस एग्जाम रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर देंगे अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में. जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब. शाबाश, एक बार करते हैं भाई रिवीजन रोज की तरह. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा. देखते हैं किस किस को याद है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली इशूड अ फर्स्ट एवर बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर. बहुत इंपॉर्टेंट. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके शाबाश. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है. हाँ जी चलिए भाई शाबाश. बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान जो है. आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. राजस्थान ने जो है ये फर्स्ट एवर बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रेजाइड ओवर राज्यसभा. बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था. ये 8 टोटल वुमेन, टोटल बेसिकली वाइस चेयरमैन है जिसमें से 50% जो है वुमेन है राज्यसभा वाइस चेयरमैन में. तो एक नागालैंड से भी है, उनका नाम आपको बताना है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई शाबाश. हाँ जी बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली राइट. फिग्नॉन, एस फिग्नॉन कॉनियक जो है दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे. What is the theme of World Nature Conservation Day 2023 that is observed on 28th July? इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा. चलिए शाबाश, वेरी इजी. चलिए मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट जो है आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल सही है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव, यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम जो है दैट इज मेरा गांव मेरी धरोहर एज अ आजादी का अमृत महोत्सव. गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, अमित शाह या फिर नारायण बोस. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड, बहुत ज्यादा आसान वॉरियर्स. बिल्कुल अमित शाह जो है बिल्कुल सही आंसर है. मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है. अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगेन ईजी है. India recently launched International Big Cat Alliance for conserving 7 big cats. Which of the following cat is not included in this? हाँ जी, कौन सी cat जो है इसमें included नहीं है?
हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, डेजर्ट कैट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है वॉरियर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक अचीव सीडीएस सीएपीएफ बैच ज्वाइन नहीं किया है, डायरेक्टली एप्लीकेशन ज्वाइन करके आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, जॉनस विंचगार्ड इज फ्रॉम विच कंट्री रिसेंटली वन 110th एडिशन ऑफ टूर दे फ्रांस फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट ईयर ऑन द चैम्प्स एलिसी इन पेरिस फ्रांस। आपको बस बेसिकली बताना है कि टूर दे फ्रांस जो है इस बार का किसने जीता है और किसने जीता नहीं, बेसिकली कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो ही इज बेसिकली डच, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है सबके सब वॉरियर्स कर दीजिए। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे भी देखो भाई आपको मैं बताता हूं न्यूज इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलिए। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ सीडीएस सीएपीएफ एनडीए एफ कैट या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा है करंट अफेयर्स। और जो हम डेली न्यूज करते हैं डेली करंट अफेयर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या है जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर्स आने की संभावना, उसको हम 100% कवर करते हैं। और स्पेसिफिकली जब मैं आपको बताता हूँ 100% जो है अगर आप देखोगे उसी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की है, गवर्नमेंट रिलेटेड है और बेसिकली ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ ये जो है न्यूज है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स। देखिए भाई वाह इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ स्लू ऑफ फार्मर सेंट्रिक अनाउंसमेंट इन राजस्थान सीकर रिसेंटली। पीएम मोदी डेडिकेटेड 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र विच आर वन स्टॉप सेंटर्स फॉर फार्मर्स दैट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एग्री इनपुट सच एज फर्टिलाइजर सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑफ सॉइल सीड एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। ये आपसे बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई कि हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब ने जो है स्कीम को जो है अब बेसिकली लॉन्च कर दिया है और कहाँ पर लॉन्च किया है ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ही रिलीज्ड 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड ऑल्सो लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे वॉरियर्स, व्हाट इज यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड इज न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर दैट इज कोटेड विद सल्फर एज द गवर्नमेंट स्टेटमेंट यूरिया गोल्ड कम्स विद दीस बेनिफिट। द यूज ऑफ यूरिया गोल्ड इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल यूज यूरिया फर्टिलाइजर विल एड्रेस द सल्फर डेफिशिएंसीज इन द सॉइल। तो ये बेसिकली क्या है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन के लिए है। यूरिया गोल्ड जो है एक फर्टिलाइजर विच इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया। तो ये क्या है, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। इसीलिए किसके लिए बेनिफिट हो जाता है, ये फार्मर्स के लिए, जो लो स्केल के फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। यूरिया गोल्ड रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर एनहांस क्रॉप क्वालिटी। इट विल सेव इनपुट कॉस्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड ऑल्सो रेज इनकम फॉर फार्मर्स विद एनहेंस्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, फार्मर्स के लिए इजी टू इंस्टॉल भी है और क्या फायदेमंद है, इकोनॉमिकल भी जो है ये बहुत ज्यादा है फार्मर्स के लिए। तो पहली न्यूज क्लियर है सबको, यूरिया गोल्ड राजस्थान के जगह सीकर में जो है इसको हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया है। सीएपीएफ का बैच अब तो बस बहुत कम टाइम रह गया वॉरियर्स, आप जो है ज्वाइन करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे सबके सब। न्यूज टू, केरला टू सेट अप इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि रिसेंटली किस राज्य ने जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर को इंस्टॉल किया है, तो आपको ध्यान रखना है केरला ने जो है ये किया है। द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज
has secured a grant of 10 crore from Niti Aayog to establish India's first Atal Incubation Center in Fisheries at the university. The grant will foster a culture of innovation and technological advancement. ये आपको ध्यान रखना है, AIC initiative is part of Atal Innovation Mission which seeks to encourage culture of innovation and entrepreneurship across various sectors of the country. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. कहाँ पे हुआ है? केरला में जो है इसको अटल इंक्यूबेशन सेंटर को इंस्टॉल किया गया है. इंडिया का पहला फिशरीज का इंक्यूबेशन सेंटर ये आया है केरला में. अब अटल इंक्यूबेशन सेंटर विल सर्व एज हब ऑफ इनोवेशन एनकरेजिंग यंग माइंड्स टू डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर मरीन इकोसिस्टम एंड फिशिंग कम्युनिटीज. कुफोस इज पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन रिसर्च एंड आउटरीच इन द फिश फील्ड ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज. The university addresses critical challenges faced by marine ecosystem and fishing communities through innovative solutions. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? चलिए अभी अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अब क्या है ये? नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की भी न्यूज है. प्लीज ध्यान रखिएगा, चांसेस आर वेरी हाई, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं, वो अब आने वाला है कहां पर? दिल्ली में जो है ये इंस्टॉल होगा. प्लीज ध्यान दीजिएगा, द नेशनल कैपिटल विल सून हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम नेमली युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली. द संस्कृत नेम युगे युगीन भारत ट्रांसलेट्स टू एवर लास्टिंग इंडिया इन इंग्लिश. युगे युगीन मतलब युगों से जो है भारत चल रहा है और चलता रहेगा, एवर लास्टिंग इंडिया. इट कैप्चर्स द इटर्नल कैरेक्टर ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री. द आइकॉनिक ब्लॉक्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई Edwin Lutyens and Herbert Baker in 1930s and have long served as the hub of Indian governance. तो ये basic information है जो आपको ध्यान में रखना है. वो ये रखना है कि अब जो है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है कहाँ पर आएगा? दिल्ली में जो है बनने जा रहा है. ठीक है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है युगे युगीन भारत जो है इसका नाम भी है. In 2021, government announced plans to convert North and South blocks into the museum. North and South block of Central Secretariat Complex will built during the 1930s. The South block houses the Prime Minister Office, External Affairs Ministry and Defence Ministry, while the North block is home to Ministries of Finance and Home. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. MRPL becomes largest single location refinery in India. तो ये आपको ध्यान रखना है. Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited जो है एक मिनी रत्ना PSU refinery and subsidiary of ONGC. ONGC की ही बेसिकली क्या है ये? सब्सिडरी है. अब ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो है आपका क्या बना है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. हैज बिकम द लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी सिंगल लोकेशन इन द ईयर 2022 to 2023. ठीक है, इसको आपको जो है बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. क्लियर है? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. गॉट, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. MRPL achieved the feat by processing 17.14 metric ton of crude oil during the past financial years. This is the also highest ever throughout processed by single location PSU refinery in India, petroleum refinery history. MRPL processed 10% of total crude oil refined by PSU petroleum refinery of the nation. MRPL is capable of producing almost a full range of petroleum like naphtha, LPG, motor spirit, High speed diesel, kerosene, aviation turbine fuel, sulfur, xylene, bitumen, along with pet coke and polypropylene basically. ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. शाबाश.
चलिए भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा टू गेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रत्न। प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये आ सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्फर द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड ऑन वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरपर्सन एमेरिटस ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा, फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड विच इज द हाइएस्ट स्टेट ऑनर प्रेजेंटेड टू डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द प्रेस्टिजियस उद्योग रत्न अवार्ड स्टार्टिंग दिस ईयर। टाटा विल बी द इनॉग्रल रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड आर एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव मेड द इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड रियल एस्टेट, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, आईटी, फूड, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो है बेसिकली सबको मालूम ही है इस चीज के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है और आने के ज्यादा जो है इसके संभावना है बिल्कुल आपके एग्जाम में। बैंगलोर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम। कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय, बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, माइलस्टोन बाय बिकमिंग, जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स। हाँ, कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली सिटी जो है बेंगलुरु बन चुकी है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम जो है उसको ज्वाइन किया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम इज ग्लोबल नेटवर्क। बेसिकली इससे होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है एक वर्ल्ड सिटीज का एक कल्चरल फॉर्म बनता है जो ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज का, जो कोलैबोरेटरी रिसर्च करती है, शेयर करती है इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे देखो भाई क्या होता है, कोई भी सिटी है, दिल्ली है, बैंगलोर है, बैंगलोर क्या है पहली बनी है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म को ज्वाइन करने में, जिससे कि क्या है किसी कंट्री की, किसी सिटी की जो है कल्चर प्रॉस्पेरिटी जो है उसको बेसिकली जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है शेयर किया जा सकता। बेंगलुरु इज द 41st सिटी टू ज्वाइन WCCF विच ऑलरेडी इंक्लूड्स 40 सिटी अक्रॉस कॉन्टिनेंट सच एज न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। SSC एस्पिरेंट्स डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, SSC का बैच डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर जिसका नाम है बटागाय का, जो कि एक्सपैंड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रशिया में। बटागायका द वर्ल्ड लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर इज लोकेटेड इन द फार ईस्ट साइबेरियन टाइगा एंड इज एक्सपेंडिंग रैपिडली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इन रशिया। द मैसिव क्रेटर ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ द अंडरवर्ल्ड इनिशियली अपियर्ड इन द 1960s व्हेन एरिया वॉज क्लियर्ड इन द टिम्बर। द क्रेटर इज अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज क्लासिफाइड एज मेगा स्लम्प, indicating significant geological changes on earth. Permafrost refers to land that is frozen at below 0 degree Celsius in at least 2 consecutive years. तो भाई देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं रही है, ग्लोबल बॉइलिंग होना जो है हमारे पृथ्वी की स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो क्रेटर है ये भी फैल रहा है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आगे जस्ट अ सेकेंड। चलिए आगे, एम्बाइब एप्लीकेशन रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम चैनल्स के भी जो नेम है आपके स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दिख जाएंगे भाई, डायरेक्टली आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स।
न्यूज़ एट प्लीज ध्यान देंगे, सबके सब इम्पोर्टेंट, सबके सब भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। अब क्या है भाई, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी कम्स एज सिग्निफिकेंट बूस्ट टू स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री। इट रिकॉग्नाइजेस गेमिंग एज लेजिटिमेट प्रोफेशन एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू नर्चर देयर पैशन वाइल एक्वायरिंग एसेंशियल स्किल्स। द इनिशिएटिव अलाइंस विद स्किल इंडिया मिशन एंड एम्स टू पुट इंडिया ऑन ग्लोबल गेमिंग मैप। तो ये आप देख सकते हैं ग्लोबल गेमिंग मैप में जो है भारत को पहुंचाने का फैसला कर दिया गया है। तो भारत में भी अब अकेडमी जो है ऑनलाइन गेमिंग की खुल चुकी है। द अकेडमी विल हेल्प नर्चर एंड शोकेस इंडियन गेमिंग टैलेंट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। अब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है भारत को जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है गेमिंग लेवल पे। चलिए भाई अब आता है सबका फेवरेट टाइम, सबके सब भाई जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करके जो है आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। वॉरियर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। अभी अभी हमने कवर किया है, आंखें बंद करके जो है आप टिक लगा सकते हो, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज वर्ल्ड लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागायका इज एक्सपैंडिंग रैपिडली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द क्रिएटर इज क्रेटर, बेसिकली नॉट क्रिएटर, सम टाइपिंग एरर। क्रिएटर जो है कहाँ पे मौजूद है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश। हाँ जी बहुत आसान, बिल्कुल सही है, रशिया में जो है ये मौजूद है। चलिए वॉरियर्स वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन दी वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल सही वॉरियर्स, बेंगलुरु जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। प्रणाम जो है पूरा देश करता है इनको, बिल्कुल सही है, रतन टाटा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया। भारत की सिंगल लोकेशन रिफाइनरी जो है आपको बताना है कौन सी बनी है, सब्सिडरी है ओएनजीसी की, बिल्कुल सही, एमआरपीएल रिफाइनरी मैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दैट इज गोइंग टू ओपन इन न्यू दिल्ली। बहुत ज्यादा आसान, संस्कृत में इसका मतलब होता है एवर लास्टिंग इंडिया, मतलब युगे युगीन भारत। नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, किस राज्य ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो देश का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है लेके आएगा। हाँ जी जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है सबका भाई, बिल्कुल मान लेते हैं, केरला बिल्कुल करेक्ट है। ज्वाइन ऑल टेलीग्राम चैनल्स बाय डिफेंस एंड बाय बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड बाय एसएससी एंड रेलवे एज वेल। चलिए भाई इस क्लास में फिलहाल इतना ही, वॉरियर्स कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.